क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में क्या कहता है जी? एट में कहता है लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन है भाई? डेटा दिया हुआ है, 1 जनवरी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इतना है, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, प्रॉफिट इस साल का इतना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इतना किया, डिविडेंड ऑफ 10% ऑन ऑर्डिनरी शेयर वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना डिविडेंड दिया है? 10%। वॉट वर द रिटेन्ड अर्निंग ऑन 31st December? हमें बताना है ईयर एंड जो हो रहा है 31st December, वहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग कितनी बच गई। अब देखें आसान है, सबसे पहले हम रिटेन्ड अर्निंग ले लेंगे ओपनिंग। रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बना रहा हूँ, सबसे पहले ओपनिंग मुझे बताओ, जब साल शुरू हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग कितनी पड़ी हुई थी पहले से? 12,000। अगर पहला साल होगा तो पहले रिटेन्ड अर्निंग जीरो होगी। अब मैंने प्रॉफिट कितना कमाया बताओ भाई? 43,000। प्रॉफिट कहाँ चला जाता है भाई? रिटेन्ड अर्निंग, तो प्रॉफिट से रिटेन्ड अर्निंग बढ़ जाती है। यार अगर आपको याद हो, सोल ट्रेडर में क्या होता है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ा देते हैं, लॉस होता है तो कम कर देते हैं, ड्रॉइंग होता है तो कम कर देते हैं। कंपनी में हम ये नहीं करते कि कैपिटल को अप डाउन करें, कैपिटल को अलग रखते हैं। जो पैसा शेयर होल्डर ने लगाया वो अलग अकाउंट में जाएगा, और जो हम कमा रहे हैं वो अलग अकाउंट में जाएगा। जो कमा रहे हैं वो कौन से अकाउंट में जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग। ओपनिंग में इतनी बड़ी हुई थी, रिटेन्ड अर्निंग इतना प्रॉफिट कमाया, फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या जब मैं ट्रांसफर कर दूंगा जनरल रिजर्व में तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सॉरी जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगी। जब ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में तो हमारी रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगी। हमें सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग बतानी है, हमें जनरल रिजर्व नहीं बताना। रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगी ट्रांसफर की वजह से, और हमने डिविडेंड पे किया 10% ऑर्डिनरी शेयर। 10% किस पे लगाएंगे? जब भी परसेंटेज बोलता है तो इस पे हम लगाएंगे $200,000 पे, $200,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो डिविडेंड कितना हो गया भाई? 2 लाख का 10%, ये हो गया 20,000, ये डिविडेंड पे। अब अगर आप इसको फाइनल कर लें, बैलेंस कर लें, शुरू में कितना पड़ा हुआ था भाई? रिटेन्ड अर्निंग 12,000, 43 से बढ़ गया और 10 से कम हो गया और फिर 20 से और कम हो गया, तो क्लोजिंग में रिटेन्ड अर्निंग बच गई 25,000। तो आंसर क्या बना भाई इसका? इसका आंसर बन गया सी, 25,000। अरे बात है, तो ये बैलेंस शीट में कहाँ शो होती है? ये बैलेंस शीट में इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन में शो होती है।